शाद और प्राची ने मुझे कहा कि एक शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए, और शॉर्ट फिल्म का आइडिया मुझे आया। मैंने अगले दिन जाके उनको आइडिया सुनाया, और फिर मैंने वीर से मुलाकात की। वीर को मैंने मस्ती दादे में डायरेक्ट किया था, तो एक्चुअली वीर को मुझे दूर से आते देखकर मुझ पे कुत्ते छोड़ने चाहिए थे कि आदमी फिर से आ गया तंग करने, करियर बर्बाद करने। लेकिन वीर ने ऐसा नहीं किया बेचारा, वो उसने मुझसे मुलाकात की, मैंने आइडिया सुनाया राग का, और एक सेकंड में उसने कहा मैं ये फिल्म करूँगा। ये ऐसा रोल मुझे कभी किसी ने दिया नहीं है, और मैं ये नेगेटिव शेड्स वाला रोल करना चाहूँगा। फिर मैंने ऋचा चड्ढा को फ़ोन किया, ऋचा को मैंने कहा कि शॉर्ट फिल्म में समझ लीजिए एक स्पेशल अपीयरेंस है, आपके पास डायलॉग नहीं है लेकिन आप दीवारों पे प्रोजेक्शन में होंगी, और आप अगर ये करेंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बिना डायलॉग बोले एक ही वो एक अभिनेत्री है जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। ऋचा भी मान गई, और धीरे धीरे हर टेक्नीशियन जिसको मैंने फ़ोन किया, हर टेक्नीशियन ने कहा कि हाँ हम तुम्हारे लिए ये फिल्म करेंगे, वी बिलीव इन यू, वील मेक दिस फिल्म फॉर यू, वील वर्क विथ यू। सो इस तरह राख का जन्म हुआ, एक कोशिश थी, इट वॉज एन अटेम्प्ट टू राइज फ्रॉम द एशेज एंड यू नो रेजरेक्ट लॉट ऑफ करियर्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राख, हु इज अ पार्ट ऑफ राख। आई वुड लाइक टू कॉल देम अप हियर वन बाय वन, द पीपल हु हैव मेड राख पॉसिबल। सबसे पहले आई लाइक टू कॉल वीर दास। वीर आ जा यार, ऐसे मत कर। ये जनाब जैसे मैंने कहा था कुत्ते नहीं छोड़े इन्होंने मेरे पीछे, और ही अग्रीड टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवी। सो थैंक यू वीर, थैंक यू फॉर बीइंग माय साइको। तुझे खाना तो मैंने अच्छा खिलाया, बासी खाना नहीं खिलाया फिल्म में, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आई एम हैप्पी पीपल आर लविंग यू, दे आर लविंग योर परफॉर्मेंस। इट मेक्स मी फील रिलीव्ड दैट आई हैव रिटर्न सम ऑफ द काइंडनेस यू डिड टुवर्ड्स मी मस्ती ज़्यादे करके, राग करके। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एंड यू आर नॉट जस्ट अ फिनोमिनल एक्टर, ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग, एंड ये सचमुच किसी को मारते नहीं है, और किसी को ऐसे मतलब खीले टोक के उनको किसी गोडाउन में वो बंदी नहीं बनाते। सो थैंक यू वीर, एंड आई लाइक वीर टू से अ फ्यू वर्ड्स एंड देन रिटर्न द माइक बैक टू मी, बिकॉज ये क्या है, ये इनको माइक दे दो फिर ये माइक छोड़ते नहीं है इसीलिए। यू गाइस सॉ द फिल्म, या अच्छी लगी, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिला आप यार, प्लीज कम ऑन। He's reinvented himself. I think after a little film we did that maybe people haven't heard of called Masti Zade, it was very important for us to reroute the course of our creative existences. Bahut maza aaya, it was a great film. I'm happy that everybody liked it. Jo response mila, kisi ne expect nahi kiya tha to get 1 million in a day, 2 million in 2 days, 3 million in 3 days, almost 3 million. It's a great experience. Hopefully I get to play many such dark roles and psychotic roles in the future. Mila. Thank you, Veer. Thank you so much. Veer ke baad, I'd like to call Richa Chadda, but she's not here. So she's shooting, so she couldn't make it tonight. Night shooting kar rahi hai. But Richa, thank you. Without you, Richa, you were the soul of this film. Diwaron pe har expression, har aansu, har muskurahat ने जो फिल्म की लव स्टोरी है उसको बहुत यू नो इमोशन दिया। ऋचा के बाद आई लाइक टू कॉल शाद रंधावा, जो ना ही मेरा दोस्त है लेकिन आई एम हैप्पी इस फिल्म के साथ शाद ने साबित कर दिया कि वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर भी है। शाद को मैं माइक दूंगा क्योंकि शाद ज़्यादा माइक पकड़ेगा नहीं। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग हियर एंड सपोर्टिंग दिस फिल्म ऑफ अस। जब हमने शुरुआत की थी हमें लगा था कि ठीक है मस्ती ज़्यादे बहुत लोगों को पसंद नहीं आई तो अभी क्या क्या करना चाहिए यार, बड़ी फिल्म तो कोई बनाने नहीं देगा। तो मिलाप ने एक टेरिफिक आइडिया सोचा, मुझे नरेट किया, और अगर ये फिल्म में वीरदास नहीं होते तो मुझे नहीं लगता उसे ये स्तर मिलता इस फिल्म को। ऋचा चड्ढा नहीं होती तो इस फिल्म को वो स्तर नहीं मिलता, वो लेवल नहीं मिलता। और मिलाप ज़वेरी ने इतनी मेहनत की है, हम सबको इतना पुश किया है, और यू नो वो नज़र आ रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे चांस दिया। इसके पहले मैंने सपोर्टिंग रोल्स किए हैं
फीचर फिल्म हो या शॉर्ट फिल्म हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसमें मुझे जिस तरह मिला आपने प्रेजेंट किया और मौका दिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. थैंक यू मिला. इतनी तारीफ का मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बुलाना चाहूँगा, जैसे बिहाइंड एवरी मैन इज़ अ सक्सेस, एज अ वुमेन बिहाइंड दीज मैन देयर वाज वन वुमेन हु जिसके साथ हमने झगड़ा किया, जिसको बहुत तंग किया, मतलब यू नो एक शॉर्ट फिल्म आप जानते होंगे शायद नॉर्मली HD 5D पे शूट होती है, उसका यू नो बजट एक रिस्ट्रिक्टेड होता है, और मैं जिमी चिप चाहता था, मैं एलेक्सा XT पे शूट करना चाहता था, मुझे ड्रैगन चाहिए था हाई स्पीड में, जो शॉर्ट है फिल्म में जहाँ पैर खून में हाई स्पीड में गिरता है. तो मेरी सारी ये डिमांड्स थी एज अ डायरेक्टर कि मुझे एक बहुत ही लैविश स्केल पे फिल्म बनानी, और बेचारी जो प्रोड्यूसर थी वो सर पटक पटक के दीवारों से थक जाती थी, कहती थी कि शॉर्ट फिल्म है. मैं कहता था नहीं, ये शॉर्ट फिल्म नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है. और थैंक यू प्राची थडानी और वाटर लिली फिल्म्स, प्लीज़ कम हियर प्राची, अगर थैंक यू सो मच. ये है द लेडी हु वॉन्ट्स द माइक. Thank you, Mila, for such an introduction. Thank you, firstly, for being here. ये बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, and ये एक छोटी सी attempt है to launch at least my company. They all are already existing makers. Just want to say that it's a small effort. I hope you all like it, and I hope everyone's enjoyed watching it. It's all your support that today that we are one of the largest tracking of films online, and I just want to say a big thank you to the entire team who supported us, each and every person who's been there for us, and especially Milab, Shahad, Veer and Richa. Thank you. Rashi, can we get a Jimmy Jip to shoot this party? No? Okay. After this, I'd like to call someone who's, because of which we could market, release, make this film on such a big scale, and you know we had the power. Juhu Beach pe holding hai, humne screening kiya, motion poster kiya, promo kiya, music video shoot kiya, aur it's our main sponsor, the brand who supported this film so strongly, Officer's Choice Blue Snacks. I'd like to call Mr. Jeetu Hemdev to please come up here. Mr. Jeetu, thank you, please. Thank you so much. Thank you so much, sir. It, not for you, we would not be able to pull this off on such a big scale. Please say a few words. Thank you, Milab. This young girl, Prachi, came to me one day with this concept. And I saw the film in 18 minutes. And I said, no, this is it. This is for my brand. We are one of the largest whiskey selling company in the world since the past 5 years. We are number one as far as whiskey segment is concerned. But this concept was really beautiful. And short films is the next trend. You see many other companies also sponsoring this. But she just won me over. Then this guy came and big mascara polish. But I had taken a decision. Thanks to the lady. Shahab, thank you. Thank you for this excellent film. And I hope we do many more ahead. Thank you. All the best. Thank you, sir. I'd also like to thank the whole team, Officer's Choice, who've been, you know, behind us and supported us. Ahmed, Chirag, Bikram, sir, all of you all, thank you so much. I'd like to call in one gentleman, jinhone 2 saal pehle ek Marathi film produce ki thi called Classmates. बहुत इज्जत कमाई थी उस फिल्म ने, बहुत अच्छा धंधा भी किया था. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैं उनके पास गया था, मैंने कहा कि यार शॉर्ट फिल्म है या इसका बजट ये है, मैं जानता नहीं मैं क्या करूँगा, कैसे बनाऊँगा, बट आई वॉन्ट योर सपोर्ट. एंड ही सेड ओके, ही जस्ट हर्ड द स्क्रिप्ट सुन के ही सेड आई एम ऑन, मैं सपोर्ट करूँगा आपको, और मैं आई विल बी वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. एंड दैट्स मिस्टर संदीप केवलानी ऑफ SK फिल्म्स. Sandeep, please come here. Thank you, Sandeep. Thank you so much. So grateful you're part of Team Raak.
अप मेरे से फ़ोन पे एक दिन फ़ोन करके पूछता है कि भाई किधर है। मैं तो ऑफिस में हूँ। बोले मैं तेरे ऑफिस से 5 मिनट के रास्ते पे हूँ, मैं अभी के अभी पहुँच सकता हूँ। बोला आ जा। मैं बोला चाय वाय पीने आएगा? चाय तो पीता नहीं, फिर उन्होंने थोड़ा आएगा। आगे बोलता भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट है और मुझे पिक्चर बनानी है। बोला शॉर्ट फिल्म क्या रिकवरी है, कैसा होता है? बोले बस ये बनानी। बोला एक दो और सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं, मुझे ये ही बनानी है। बोला फिर चलो बनाते हैं, और ऐसे राख बनी। थैंक यू संदीप, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कुछ और लोग हैं जो यहाँ इस वक्त जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे साथ, वर्धमान चौकसी एंड साई कृपा चौकसी ऑफ एम्पायर फिल्म्स, दे आल्सो ओन एस्कोबा। सो आई वांट टू थैंक देम फॉर बीइंग सच ग्रेशियस होस्ट, सच अमेजिंग प्रोड्यूसर्स। दे कुडंट मेक इट टुनाइट, बट वेर एवर दे आर, थैंक यू। कुडंट हैव डन इट विदाउट बोथ ऑफ यू। थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट, नॉट ओनली फॉर दिस, फॉर द फिल्म, फॉर दिस पार्टी। वी ऑल्सो शॉट द म्यूजिक वीडियो विच फीचर्स सोनू निगम जी एट एस्कोबा। सो यू नो देव, वर्धमान एंड साई हैव बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू दिस फिल्म। आफ्टर दिस आई लाइक टू थैंक द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स वाई दिस फिल्म हैज रीच्ड आउट टू सो मैनी पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ये ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज हुए हैं, और उस वो एक ऐसे चैनल पे हुए हैं जो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स इन द वर्ल्ड है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू दैट टी सीरीज अग्रीड के हिस्ट्री में पहली बार दे रिलीज अ शॉर्ट फिल्म ऑन दे चैनल। उन्होंने आज तक कभी ये चीज़ नहीं की है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू भूषण सर, विनोद सर, प्रिया, द होल टी, शिवम चन्नाना, the head of digital in T series, and Prashant who's constantly been, main usko tang karta hu yaar, kitne view hai, Prashant please come up, please represent T series, because I think Bhushan sir has not yet come, I hope he does come, but Prashant please come up, and thank you so much for, you know, har review jo aaya hai, har view jo aaya hai, wo inhone har jagah phailaya hai अपनी मार्केटिंग से, अपनी मेहनत से। रात को दो दो तीन तीन बजे में मैसेज करता था, क्या कितना हो भाई, कितने व्यू हुए, एक मतलब एक दिन में 1 मिलियन हिस्ट्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ भाई लगता है बनाएंगे भाई, शायद नहीं बनाएंगे, मतलब नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। सो एवरी डे आई केप ट्रबलिंग हिम। अभी पार्टी में बिचारा आया था, मैं पूछा कितने व्यू हुए, बोला भाई पार्टी में आया यार, अभी तो जाने दो। तो प्रशांत प्लीज से फ्यू वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ टी सीरीज। अब बहुत लंबी लिस्ट है लोगों को जिनको थैंक यू कहना है, सो मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता जाऊंगा, उनको यहाँ बुलाता जाऊंगा जो यहाँ है। सर शॉर्ट फिल्म में बहुत लॉन्ग कास्ट है और बहुत लॉन्ग क्रू है, वो इतनी आसानी से नहीं बनी। डीओपी निगम बॉमजान, जिन्होंने फिल्म शूट की, वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा वो फिल्म के एक हीरो हैं। उन्होंने जिस तरह फिल्म शूट की, इतनी मेहनत की, मुझे लगा कि उनको मतलब स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ेगा शूट के सेकंड डे पे, इतना थक गए थे वो। कुछ 200 शॉट उन्होंने शूट किए 2 दिन के अंदर। सो थैंक यू निगम। प्रोडक्शन डिजाइनर, बहुत रिव्यूज में आया है कि प्रोडक्शन डिजाइन आर्ट डायरेक्शन एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। नरेंद्र राहुरीकर, जो सिंगम से लेके चेन्नई एक्सप्रेस उन्होंने प्रोडक्शन डिजाइन किया है, उन्होंने इस फिल्म को करने वो राजी हुए, थैंक यू सो मच सर। म्यूजिक एंड ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह जी अब तक आए नहीं, वो रास्ते में, होपफुली जब तक हमारी बातें खत्म होगी वो सोनू जी के साथ आ जाएंगे। राजू सिंह सर, जिन्होंने नई बैकग्राउंड म्यूजिक किया है इस फिल्म का, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गाना दिया हमें, बस इतना है कहना, जो विच हैज ऑल्सो बिकम वायरल एंड पीपल आर लविंग इट। सोनू निगम सर हैज संग द सॉन्ग, रश्मि विराग हु रोट द लिरिक्स फॉर द सॉन्ग, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम दैट दे डिड दिस। जब वो आएंगे मैं उनको फिर से बुलाऊंगा। अब एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सर 2 महीने से सोया नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं सोया है, और मतलब आई थिंक वो नींद भूल गए हैं, वो है जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है एवरी मीडिया। इस टीम ने मतलब मुझे किसी ने मजाक में बोला यार कि यार ऑनलाइन 3 ही फिल्मों का जिक्र हो रहा है, ऐ दिल ए मुश्किल, शिवाय और राख। बोले कि यार हर डिजिटल प्लेटफॉर्म से राख मतलब हमारे कानों से बाहर आ रही है, जहाँ देखते हैं राख राख राख,
और ये राख 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 हुआ है बिकॉज ऑफ एवरी मीडिया, मतलब हर क्रिएटिव से लेके हर एफर्ट उन्होंने जो किया है, मतलब उनमें जो गौतम ठक्कर है जो एवरी मीडिया के हेड है वो आज नहीं आ सके, वो बीमार पड़ गए, इतनी मेहनत की उन्होंने कि वो बीमार पड़ गए, वो आज यहाँ आ नहीं सके, और उनके अलावा यहाँ उनके कुछ सिपाही है जिन्होंने मतलब सुबह शाम मेहनत की है, नेहल कपाड़ी, अंजलि, नेहल कपाड़ी प्लीज, नेहल कपाड़ी कम हियर, नेहल कम हियर राइट नाउ, अंजलि, अंजलि बहुत खूबसूरत अंजलि है, नेहल के साथ स्टेज पे आएंगी, अंजलि प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज प्लीज राइट नाउ, ये मतलब जो आप लोगों को तंग किया है हर बार न्यूज स्टोरी भेज के, प्रेस रिलीज भेज के, ये दो शख्स है, और प्रियंका थैंक यू, प्रियंका जॉइंड अस फ्यू डेज बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प, प्रियंका ऑल्सो प्लीज कम अप, कम अप, कम अप, एवर कम अप, व्हाई नॉट कम अप, इट्स अ लॉन्ग शॉर्ट फिल्म, कम अप, नेहल यू वांट टू से समथिंग, Exactly, after Masti Zade, you had the guts to work with me again. Thank you. And seeing Shahad and Veer flip like 180 after Masti Zade, it was brilliant. And we all enjoyed Raak and the reception we have got was brilliant. Okay, iske baad main thank you kehna chahunga ek aise shakhs ko jo matlab jinke dates main kasam khata hu, Veer ke dates mil gaye, Shahad ke dates mil gaye, is janab ke dates nahi mile, kyunki ye janab marketing ki duniya ke badshah hai. इन्होंने पिछले एक महीने में पिंक से लेके शिवाय की मार्केटिंग की है, तो पिंक और शिवाय के बीच में एक एक मिनट में किसी तरह घुस के उनसे वक्त ले लेता था. आई वुड लाइक टू कॉल दीपेश शाह ऑफ येलो इंक, दीपेश प्लीज कम हियर, अरे शिवाय तो नहीं प्रमोट कर रहा, अरे पिंक रिलीज हो गई, दीपेश शिवाय भी रिलीज हो गई, दोनों पिक्चरें चल गई, चल अब आ जा, दीपेश आ रहा है, वो मार्केट में बाहर था, दीपेश को कोई माइक दो, दीपेश यू हैव टू से समथिंग, यू कैन अप्यूज मी बट से समथिंग, थैंक यू मैडम, ओके थैंक यू दीपेश. इसके बाद कोरियोग्राफर, हमने म्यूजिक वीडियो शूट किया एस्कोबार में, और शूट के एक दिन पहले मुझे लगा यार मैं गाना शूट कर रहा हूँ, कोरियोग्राफर नहीं है, अच्छा अच्छा थोड़ा सा भाई सॉरी, दो लोगों की जगह तो मैं ले रहा हूँ, तो जो कोरियोग्राफर थे हमारे मुदस्सर खान, वो भी आज अब तक आए नहीं है, थैंक यू मुदस्सर, यू कोरियोग्राफ्ड, बस इतना है कहना, सो ब्यूटीफुली. जो फिल्म के एडिटर और जो जिन्होंने प्रोमोस काटे, गाना काटा, फिल्म काटी, जो आई थिंक इंडिया के सबसे बेहतरीन एडिटर है बंटी नागी, जिन्होंने कांटे से शुरुआत की थी, कांटे में फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस स्टाइलिश एडिटिंग, कांटे से लेकर राख तक बंटी ने कमाल पे कमाल किया है, थैंक यू बंटी, वो भी नहीं सोया है काफ़ी रातों से, शायद कहीं सो रहा है इसलिए आया नहीं है. इसके बाद पब्लिसिटी, आप देखेंगे ये खूबसूरत पोस्टर जो है, जो जंप रवि डिसिल्वा पारस कनानी ने बनाया है, वो भी अब तक आए नहीं है, वो भी कहीं पोस्टर बना रहे होंगे. इसके बाद एक मोहतरमा है जिनको आप अच्छी तरह जानते होंगे, उनका नाम है हेमा उपाध्याय, 1H मीडिया कंसल्टेंट से, जो जिन्होंने मतलब जी जान मेहनत की है, रातों तक मैंने उनको तंग किया है. हेमा प्लीज विल यू कम अप हियर, हेमा कम ऑन, हेमा हेमा है कि हेमा मालिनी, इतना भाव खा रही है स्टेज पे नहीं आ रही है, आ कम कम हेमा कम प्लीज प्लीज से. आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड नॉट ओनली अ वेरी गुड शॉर्ट फिल्म बट आई मेट सम वंडरफुल पीपल, थैंक यू. ओके इसके बाद जो कॉस्ट्यूम्स फिल्म के की, शाद और वीर को तो मैंने बोला घर के कपड़े पहन के आओ, शाद तो कपड़े पहन ही नहीं रहा था, लेकिन जो रिचा के कॉस्ट्यूम्स इस फिल्म में किए गए वो बहुत बहुत बड़े लोग थे, जुलेखा शरीफ जिन्होंने सारा इंडियन वेयर किया, जुलेखा शी और नौ देव नौ, ओके. उसके अलावा जो सेकेंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे वो मेरे बचपन के बहुत बेस्ट फ्रेंड है, जिनका बहुत बड़ा स्टोर है टाउन में कॉल सोप ऑपेरा, इजाज खटाओ प्लीज, इजाज कम अप हियर, आई कैन सी इजाज, वो थोड़े शर्मीले के शख्स है, आई एम सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन
ये आदमी इससे मेहनती लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है. पोस्ट प्रोडक्शन से लेके मतलब इट्स शॉकिंग के घर पे आके मेरा सर दबा के नहीं दिया, क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा था. इसने इतनी मेहनत की इस फिल्म में. आई लाइक टू कॉल कुणाल रोहरा फ्रॉम रॉकफेला मीडिया एंड राहुल नंदा हु हैज डन द मेकिंग टू एंड दे आर द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म. कुणाल प्लीज कम ऑन स्टेज. प्लीज केक हो जाए. राशि जी, सोनू जी कहाँ हैं? सोनू निगम जी आ रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं. क्या हम उनके आने तक रुक सकते हैं केक काटने के लिए? थैंक यू सो मच. वीर का है तो वीर. अच्छा ये है बंटी नागी जो एडिटर है फिल्म के. इनकी जस्ट राइट स्टूडियोज ने पूरा प्रोमो सब कुछ किया है. थैंक यू बंटी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. सोनू जी को मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कुछ. सोनू जी लेजेंड है. राजू जी, थैंक यू राजू सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. Rachi, you want to cut the cake? Let's light the cake and cut it. वेल एक्सपेक्ट नहीं किया था. कोशिश की थी कि अच्छी फिल्म बनाऊं. मेरी पिछली फिल्म मस्तीज़ादे लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो एक राग पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं, ऐसी चीज़ करूं जो मैंने आज तक एज अ डायरेक्टर कभी नहीं की है. मैंने कांटे लिखी है, शूट ऑर्डर वडाला एक विलन फिल्में लिखी है, एज अ डायरेक्टर कभी मौका नहीं मिला इस जॉनर में फिल्म बनाने का. तो मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ लोगों का जिन्होंने इस राग को इतने हिस्टोरिक व्यूज़ रिव्यूज़ दिए. 4 स्टार्स, 3.5 स्टार्स मुझे करियर में कभी मिले नहीं है.
इतनी तारीफ इंडस्ट्री से, क्रिटिक्स से, यू नो फैंस से. आप यूट्यूब पे अगर आप कमेंट्स देखें तो इतने अच्छे कमेंट्स, इट्स रियली ओवरवेलमिंग. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू पीपल, टू द होल टीम ऑफ राक. उनके बना बगैर मैं नहीं बना सकता था. वेल देखिए, फीचर फिल्म पूरी एक कॉमेडी लोग मुझे आसानी से बनाने देते, लेकिन जो एक शॉर्ट एक थ्रिलर है, थ्रिलर लोग कहते थे यार तू थ्रिलर कैसे करेगा, तो राख एक शॉर्ट फॉर्मेट में एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं दिखा दूं कि अगर मैं एक विलेन लिख सकता हूं तो मैं उस जॉनर की फिल्म बना भी सकता हूं. और आज राख हमने एक फिल्म की तरह शूट की है, ये 20 मिनट 22 मिनट, लेकिन हमने उसको फिल्म कैमरा पे शूट किया, उसको हमने DI किया, 5.1 मिक्स किया एक फिल्म की. मतलब मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रोहित शेट्टी सर और रोहित धवन ने दिया जब उन्होंने फिल्म देखी. उन्होंने कहा ये किसी फिल्म का क्लाइमैक्स लगता है, जिस तरह सतीश कौशिक जी ने भी यही कहा. तो जितने इंडस्ट्री के लोगों ने तारीफ की वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी राख के लिए. वेल वीर ने बहुत कॉमेडी की है, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि मैं वीर के साथ ऐसी नई चीज़ करूं जो उसने कभी नहीं की हो. वीर बहुत अच्छा एक्टर है और मुझे ये फिल्म ऐसे लोगों ने बनाई है जो लोग कुछ प्रूव करना चाहते थे. दे वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट दैट दे कैन ऑल्सो डू दिस. आई वॉन्टेड मुझे दिखाना था कि मैं एक ड्रामेटिक थ्रिलर कर सकता हूँ. वीर को दिखाना था कि वो एक इस तरह का नेगेटिव शेड वाला रोल कर सकता है. शाद को दिखाना था कि वो सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर नहीं है, वो बहुत ही उम्दा टेरिफिक ड्रामेटिक विलन. उसने जो काम किया इस फिल्म में, जितनी तारीफ शाद को मिली है मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, क्योंकि यू नो वो मेरा दोस्त है और उसने दिखा दिया कि वो कितना अच्छा एक्टर है. ऋचा चड्ढा जिन्होंने कभी इस किस्म की फिल्म नहीं की थी, तो ऐसे लोगों ने ये फिल्म बनाई है जो जिन्होंने कभी ये किया नहीं था वही फिल्म. फिंगर्स क्रॉस्ड, ट्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि फेलियर की के राख से वापस उभर के हमको सक्सेस मिली है. इस फिल्म से प्यार मिला है लोगों का, जिसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शॉर्ट फिल्म्स यानी कि लघु फिल्मों का जो इस समय प्लेटफॉर्म है वो बहुत उफान पे है और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ऐसी कई कहानियां हैं जो फिल्मों के माध्यम से हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हर इंसान फिल्म नहीं बना सकता, सक्षम नहीं होता. तो शॉर्ट फिल्म के माध्यम से ऐसे कई चीज़ें हैं, कई कहानियाँ हैं, कई सिचुएशंस हैं जो हमारे से लोग शेयर कर सकते हैं. एंड मिलाप ने बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है. उनकी जो इमेज है ह्यूमर और मस्ती, उससे एकदम अलग, एकदम कमाल की फिल्म बनाई है. लोगों ने बहुत पसंद की है. उसमें मेरा गाना है फिल्म के बाद में, और कितनी अच्छी इन्होंने पब्लिसिटी की है, मार्केटिंग की है. उसका गाना इतना हिट हुआ, उसके बाद में उसका वीडियो बन गया, वो भी खूब उसमें बहुत सारे हिट्स आए हैं. तो मुझे बड़ी खुशी है कि शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, राजू सिंह का म्यूज़िक है इसमें, जो मेरे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो शॉर्ट फिल्म के माध्यम से म्यूज़िक को भी प्रोत्साहन मिल रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. देखा जाता है कि अगर कोई एल्बम होता है या फिर कोई गाना होता है वो अपने आप एक स्टोरी बयां कर देती है. शॉर्ट फिल्म के अंदर स्टोरी भी बयां हो रही है, गाने भी बयां हो रहे हैं. जी यही कमाल की बात है. लोग कह रहे हैं कि मिलाप ने इस शॉर्ट फिल्म की वजह से बाकी शॉर्ट फिल्म मेकर्स के लिए थोड़ी मुसीबत कर दी है, क्योंकि अब उनको भी उस लेवल तक जाना पड़ेगा, इतनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और इतनी फिल्म तो अच्छी बनाई है, साथ ही साथ उसमें गाना डालना, उसका वीडियो बनाना, और मेनली रिस्पेक्ट करना किसी के कंट्रीब्यूशन की. तो आई होप इसी वजह से और भी अच्छे अच्छे गाने भी हैं. डेफिनेटली आई थिंक शॉर्ट फिल्म्स फॉर्मेट इज़ अ ग्रेट फॉर्मेट, एंड आई थिंक पीपल आर हो गया, मैंने बोल दिया काफ़ी उस पर. हाँ
थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो आज सक्सेस पार्टी हां सेलिब्रेट कर रहे हैं जी थैंक यू I'm just mere dost hain everybody that I love made this film together so I'm just happy to have a glass of hot water kyunki awaaz thodi baithi hui hai and chilling with my friends acha milap milap se meri baat hui thi you're trying something very extraordinary aap nayi cheeze karne ki koshish kar rahe hain ji aap jo ye film project aapke paas aaya tha aapne bhi kuch aise hi socha tha ki matlab ye ki kaisa zone hai jab jo maine kabhi play nahi kiya hai apni life mein it's something that I wanted to do for a very long time bas mauka nahi mila tha I took a decision about a year ago saying main alag alag cheeze karunga so this definitely falls into that dekhenge I mean the role has to be good it can't just be about the short film the role has to be a good role fir dekhenge patel ki punjabi shaadi agle saal niklegi uske baad ek action film hai उसके बाद दो और फिल्में हैं लेकिन मैं बता नहीं सकता उनके बारे में अभी उसने डिटेल्ड नरेशन दिया था हमने मस्ती ज़्यादा साथ में की थी सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मलाप इस फ्लेवर का स्क्रिप्ट लेकर आए बट इट वाज अ ग्रेट नरेशन सो आई सेड यस विद इन 5 सेकंड्स ऑफ हिम नरेटिंग इट टू हाँ जी 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 शी इज़ लवली शी इज़ द सोल ऑफ द फिल्म बहुत खूबसूरत लगी है हर दीवार पे रिचा चड्ढा है हर कोने में रिचा चड्ढा है सो शी इज़ लुकिंग लवली इन द फिल्म थैंक यू सो मच बाबा थैंक यू वेरी मच